जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम ओवरव्यू देख रहे थे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ओहो, बेसिक सी, देन सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस भी हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ गया। मींस कि अब हमें हर चीज जो है वो खुद से राइट करने के बजाय वी हैव सम ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स एज वेल। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस वाज दैट कि हम सी प्लस प्लस के थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जब हम अपनी सी प्लस प्लस वाले कोड को रन करेंगे तो हमारे पास विजुअली कोई फॉर्म व्यू भी आ सकता है जिसको हम देख सकते हैं, वरना पहले इससे पहले सारी चीजें वो ब्लैक कंसोल स्क्रीन पे होती थी हर लैंग्वेज का आउटपुट। तो फिर सी प्लस प्लस ने हमें जीयूआई का भी फ्लेवर दिया कि वी कैन ऐड जीयूआई एज वेल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थ्रू विच यूजर कैन कम्युनिकेट इजिली और इंटरेक्ट इजिली। देन जावा, an object oriented language similar to c++ that eliminates lots of c++ problematic features। c++ mein jo bhi issues the problems the usko kisne overcome kiya, java ne। objective of java developers is that it be machine platform and operating system independent। aur java ka objective kya tha ki java ka code machine platform aur operating system independent। let's say maine jis machine pe code likha hai usi code ko main किसी और मशीन पे भी रन कर सकूं, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकूं और किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकूं। लेट्स से मोबाइल पे भी चला सकूं वही चीज, डिफरेंट ब्राउजर पे भी चला सकूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चला सकूं, गूगल क्रोम पे भी चला सकूं, फायरफॉक्स पे भी चला सकूं विदाउट एनी इंटरप्शन। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। अगर मैंने विंडोज पे लिखा है तो मैं उसको लिनक्स पे भी चला सकूं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। ठीक है, और फर्दर अगर मेरे पास जो है वो अगर मेरे पास डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म पे भी रन हो सके, डिफरेंट डिवाइसेस पे भी रन हो सके, तो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्राम्स कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मशीन इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। फिर हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, लेट्स से जावा स्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट, पीएचपी एंड एएसपी, पर्ल एंड पाइथन। कमांड लैंग्वेजेस हैं सीएच, सीएसएच, बैश, जो मैं ब्लैक स्क्रीन कह रही थी कमांड प्रॉम्प्ट। सो जो लिनक्स का जो है उसको हम बैश भी कह रहे होते हैं, सीएसएच, एसएच, शेल प्रॉम्प्ट। टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस, टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेटेक्स, जो रिसर्च पेपर राइट डाउन होते हैं वो लेटेक्स के टूल पे यूज होते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट, जो आपके टेक्स्ट पे डिफरेंट प्रोसेसिंग कर सकता है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि इंटरनेट और www के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, टैग्स पे काम कर रहे होते हैं एचटीएमएल में। एक्सएमएल मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज हो रही होती है किसी और लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में, अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो उस इंटीग्रेशन के लिए यू कैन यूज एक्सएमएल। लेट्स से दो अलग लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज में आपने दूसरी लैंग्वेज को कनेक्ट करना है, सो यू विल यूज एक्सएमएल फॉर दिस पर्पस। अ लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इज अ लैंग्वेजेस। Programming languages are languages. When it comes to mechanics of the task, learning to speak and use a programming language, is in many ways like learning to speak a human language. जब हम programming language understand कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे construct होते हैं जो हमें mind में रखने होते हैं। उसका syntax क्या है, हम use क्यों कर रहे हैं, कौन कौन सी application उससे design हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कोई new language learn करने जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई reason होता है जिसकी basis पे हम कोई, let's say अगर मैं French जो है वो learn करने जा रही हूँ तो उसको कोई ना कोई reason होगा। हो सकता है कि मुझे कहीं ऐसी जगह जाना हो जहाँ फ्रेंच बोली जाती हो, या कोई ऐसी फॉर्म हो, कंपनी हो जहाँ पे फ्रंट होना जो है वो लैंग्वेज पे अंडरस्टैंडिंग जरूरी हो। तो हर चीज के कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो उसके भी हमारे पास कुछ पर्पसेस होते हैं। और हर कुछ भी कोई भी लैंग्वेज आप लर्न करें, हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है, सिंटेक्स होते हैं और सिमेंटिक्स होते हैं, न्यू वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, कौन सी चीज के बाद फुल स्टॉप लगाना है, कौन सी चीज के बाद सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ अपर केस यूज होगा, कहाँ लोअर केस यूज होगा। एंड बोथ काइंड ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर कंसिडरेबल प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट, दैट इज द की पॉइंट। परफेक्शन कब आती है,
जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी लैंग्वेज को, अगर लेट से मैंने कोई चीज सीखी है, मैंने ड्राइविंग सीखी है, अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर मैं बगैर प्रैक्टिस चलाऊंगी तो मैं भूल चुकी होंगी। सिमिलरली अगर मैंने कोई लैंग्वेज सीखी है, फ्रेंच लैंग्वेज, अगर मैं उसको फ्रिक्वेंटली नॉर्मली नहीं बोल रही मैं भूल जाऊंगी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे तो प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज लैक एम्बिगुइटी एंड वेगनेस। ठीक है, जब हम नॉर्मल इंग्लिश में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि शायद शायद नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज हो जाए, मे बी। ठीक है, ये एक बात है। अब शायद वाला एलिमेंट आ गया। शायद का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी, शायद हो शायद ना हो, मे बी। हम मे बी बहुत ज्यादा यूजली वर्ड यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इस तरीके का हाना वाली कहानी नहीं होती। या तो होगा या नहीं होगा। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सेंटेंस एदर मीन्स वन थिंग और इट मीन्स नथिंग। कोई डुअल मीनिंग्स नहीं हो सकते, या तो एक मीनिंग है या कुछ भी मीनिंग नहीं है। अब पता नहीं, ये तो अनसर्टेनिटी है कि होगा या नहीं होगा। व्हाट डिटरमाइंस अ गुड लैंग्वेज? गुड लैंग्वेज क्या है? हम दो पैरामीटर्स पे लैंग्वेज को डिपेंड कर रहे होते हैं कि गुड लैंग्वेज कौन सी है, जो मेमोरी में कम स्पेस ले और कम से कम टाइम पे रन हो सके। दैट इज द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू जज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि कम से कम टाइम पे रन हो, मतलब कम से कम सेकंड या कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे, और मेमोरी में कम से कम स्पेस ले। रन टाइम परफॉर्मेंस, इसको हम कह रहे हैं रन टाइम परफॉर्मेंस। कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो कितनी जल्दी रन हो रहा है। जितनी जल्दी रन हो रहा है उतना बेटर है, उतना एफिशिएंट प्रोग्राम है। कंप्यूटर्स वर मोर एक्सपेंसिव देन प्रोग्रामर्स, एंड नाउ कंप्यूटर्स आर मोर एक्सपेंसिव। नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन कंप्यूटर्स रादर देन प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस पैरामीटर रन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हमारे पास ये पहले का कॉन्सेप्ट है। अब क्या चीजें आ गई हैं कि ये चीजें तो हो, रन टाइम और मेमोरी स्पेस वाला फीचर तो हो ही हो, लेकिन साथ साथ ईज ऑफ डिजाइनिंग, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिजाइन करना आसान हो, कोड करना आसान हो, डिबगिंग आसानी हो। डिबगिंग मीन्स कि हम कहीं भी एरर को फाइंड आउट कर सकें कि एरर कहाँ है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बता सके कि दैट इज अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट जहाँ पे प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई नया फीचर एड ऑन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए मैंने एक डिजाइन कर लिया सॉफ्टवेयर या कोई भी एक फीचर। अब जब उस फीचर की मुझे किसी और सॉफ्टवेयर में जरूरत हो तो उस सॉफ्टवेयर में मैं दोबारा स्क्रैच से बनाने के बजाय वही एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर सकूं। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? राइटेबिलिटी, मैं राइट कर सकूं उस कोड को इजीली। मतलब ऐसी लैंग्वेज हम चूज करें जिसपे हम इजीली राइट कर सकें, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना हो। रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी मीन्स आई कैन रीड इट। अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखा है तो इतने आसान वर्ड में लिखा हो कि उसको देखते ही हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी मीन्स कि जो लैंग्वेज हम चूज कर रहे हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस कम से कम हो। रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि अगर मैंने एक लैंग्वेज में काम किया है तो उसको साथ में और लैंग्वेज को भी इंटीग्रेट कर सकती हूँ, उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी चला सकती हूँ, तो उसमें मेरे पास जो है वो कम से कम जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हो। रिलायबिलिटी, रिलायबल लैंग्वेज हो। ऐसा ना हो कि अभी तो प्रोग्राम सही चल रहा है, कल जब मैं रन करूँ तो कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएं। तो जो हमारी लैंग्वेज है इट शुड बी रिलायबल। जैसे आज चल रही है 1 महीने बाद भी वैसी चले, 1 साल बाद भी वैसी चले, बल्कि और इम्प्रूव हो, बेटर होती चली जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेंटेनेबिलिटी, हम मेंटेन कर सकें, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सही करके चला सकें, कोई और फीचर ऐड करना है वो ऐड ऑन कर सकें, तो ये सारे काम हम इजीली परफॉर्म कर सकें। जनरलिटी, जनरलिटी क्या होगी? कि हम चीजों को जनरल रखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर मैंने कोई चीज ऐड करनी है तो ऐड के लिए मैं ऐड ही उसका नाम रखूं, ऐसा नहीं रखूं कि ABCD जिसको समझना प्रॉब्लम हो, या मैं कह दूं X1, X2, X3। इससे बेटर ये है कि नम 1, नम 2, नम 3, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3।
इस तरीके के हम जो है वो नाम रखें जो कि जनरल हो। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो हम एक फीचर परफॉर्म कर रहे हैं शुड लुक सिमिलर एंड बिहेव सिमिलर, मतलब जो नाम हो उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी हो और फंक्शनैलिटी सेम रहे। अगर लेट से मैंने एक यूजर इंटरफेस बनाया है, एक पेज पे मेरे बटन का कलर जो है वो ग्रीन है और नेक्स्ट पेज पे मेरे बटन का वही वैसे ही सेव बटन है उसका मेरे पास कलर रेड है, हाँ अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑन एंड ऑफ दिखाना है वहां पे तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर है, लेकिन अगर एक ही फंक्शनैलिटी और दोनों को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट्स नॉट अ गुड डिजाइन अप्रोच। तो यूनिफॉर्मिटी इज दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज पे जो मेन्यू है वो डिफरेंट है और दूसरे पेज पे मेन्यू डिफरेंट है, मेन्यू शुड बी सेम थ्रू आउट ऑल द पेजेस ऑफ एप्लीकेशन। एक्सटेंसिबिलिटी, कोई नया फीचर ऐड करना चाहें, कोई नई चीज ऐड करना चाहें, इजीली आप एक्सटेंड कर सकें, उसको एक्सटेंड कर सकें। स्टैंडेबिलिटी, स्टैंडेबिलिटी क्या होगी, द क्वालिटी ऑफ अ लैंग्वेज दैट अलाउज प्रोग्राम रिटन टू बी ट्रांस, अच्छा एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप प्रोग्राम को, लेट से जैसे अभी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है चार लोगों का ग्रुप है, चार लोग मिलके एक ने कहा कि फीचर वन पे आप काम करें, फीचर टू पे आप, फीचर थ्री पे आप, फीचर फोर पे आप, चार मेंबर्स ने चार एक एक फीचर पे काम किया। अब काम करने के बाद वो क्या करें, हर किसी ने अपने अपने लैपटॉप पे, अपने अपने डिवाइस पे, अपने अपने सिस्टम पे किया। अब जब वो उसको इंटीग्रेट एक जगह करें किसी एक के सिस्टम पे तो वो इजिली इंटीग्रेट हो सके। तो ऐसी लैंग्वेज चूज करें जो कि आपको मशीन और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस दे रही हो। इम्प्लीमेंटेबिलिटी, ऐसी लैंग्वेज चूज करें जिसपे जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं वो आप वाकई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, उस लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। लेट से मैं अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रही हूँ तो उसके लिए जो लैंग्वेज मैंने चूज की है उस लैंग्वेज में मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन हो भी सकती है या नहीं हो सकती, सो इम्प्लीमेंटेबिलिटी है या नहीं है, जो लैंग्वेज आपने चूज की है उसमें जिस टाइप का सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करना चाह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी सकता है उसमें या नहीं हो सकता। सो दीज आर सम पॉइंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भी आपको LMS पे मिल जाएगा होपफुली इंशाल्लाह आज ही, और आप उसको पूरा का पूरा लेक्चर YouTube पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जो चीज अगर आप कोई भी पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। जी काशान, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, जो आपके असाइनमेंट और क्विजेज हैं वो भी आपके LMS पे ही अपलोड होंगे। व्हाट्सएप पे मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि मैंने लेट से असाइनमेंट वन जो है वो LMS पे डाल दिया है, तो फिर आप वो LMS से अपने पास डाउनलोड करेंगे, उसका जो भी टाइम वो सॉल्व करेंगे अपने पास, और उसका जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उस टाइम से पहले पहले LMS पे उसको अपलोड कर देंगे सॉल्व करके। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, अटेंडेंस मैं आप लोगों की ले लेती हूँ, पहले क्यूरीज देख लेते। आप विजुअल स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल करें, और विजुअल क्योंकि प्रोजेक्ट भी तो बनाना है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए फिर आपको कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी नोटपैड से, तो फिर आप उसके लिए विजुअल स्टूडियो पर 2010 या ऑनवर्ड वाला वो जो है यूज करें। अच्छा जी, और कोई और क्यूरी? टेक्स्ट पे आप चैट पे सेंड कर दें, मैं वन बाय वन उनको आंसर कर रही हूँ। अच्छा, अटेंडेंस का ये है कि अटेंडेंस सेशन बाय सेशन लगेगी, एक सेशन की अटेंडेंस हो गई है, सेकंड सेशन की अभी होगी, लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसका अनाउंस जाहिर है मैं अभी करूंगी, तो आज तो जिनकी फर्स्ट सेशन की रह गई है वो सेकेंड सेशन में है तो मैं उनकी आज के दिन मार्क कर देती हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास है, लेकिन आज के बाद जो ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस होंगी सेशन बाय सेशन अटेंडेंस होगी, जो स्टूडेंट जिस सेशन पे प्रेजेंट होगा उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, जो स्टूडेंट उस सेशन में प्रेजेंट नहीं होगा, लेट से फर्स्ट सेशन में नहीं है सेकेंड सेशन में, तो वो एक सेशन में एबसेंट और एक सेशन में प्रेजेंट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नोट्स, ये लेक्चर्स भी ऑलरेडी LMS पे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, रुक जाओ।
ये देखें सारे नोट जो हैं वो यहाँ पे LMS पे अपलोड हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ठीक है, आपको LMS का यूजर नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। ये देखें ये हमारा फॉल 105045, इसी तरह जो 105046 है उसमें भी ये सारे कंटेंट मैंने अपलोड कर दिए। कोर्स आउटलाइन है जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, तीनों बुक्स हैं, यूट्यूब चैनल लिंक है, PF की प्रोजेक्ट लिस्ट है। प्रोजेक्ट लिस्ट पे अभी हम इतना ज्यादा बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे, अभी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ी सी चीजें हम कोडिंग तक पहुंच जाएं फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्री प्रपोजल टेम्पलेट है, टेम्पलेट में आप किस तरीके से प्रपोजल देंगे और प्रपोजल सैंपल है। ये सारी चीजें जब हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि इस पे आपको क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा ये आज का लेक्चर है जो हमने पढ़ा है, ये आपके पास अवेलेबल होगा। आपने सिर्फ लॉग इन करना है LMS पे बाय यूजिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन अपने जो कोर्स है PF का कोर्स 105045 और 105046 उस पर क्लिक करना है। सो ये व्यू ओपन हो जाएगा आपके पास, ये सारे लेक्चर्स वहाँ पढ़े वन बाय वन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सारी चीजें सारे नोट्स वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, कुछ वर्ड्स के जो है वो लेक्चर्स हैं, कुछ लिंक्स भी हैं इंपॉर्टेंट लिंक जहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सारे लेक्चर जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और कोई और सवाल? अच्छा, इस कोर्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए और ईमानदारी चाहिए। वेल व्हाइल यू आर सबमिटिंग क्विजेस, असाइनमेंट एंड असेसमेंट फॉर मिडटर्म और फाइनल। अच्छा, माइक ऑन करके मैं अटेंडेंस ले तो लूं बेटा, लेकिन मसला यहाँ पे ये होगा हमारे पास कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आएगी। ओके, लेट्स सी। चलो, जिसका नेम कॉल करूं वही अपनी अटेंडेंस वो प्रेजेंट बोलेगा और उसी वक्त जो है वो चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड करेगा। आप एक काम ये करो कि चैट पे अपना नेम और आईडी रेडी रखो, जैसे ही नेम कॉल हो उसको एंटर कर दो, ठीक है। अभी से ही आप अपने चैट पे अभी सेंड नहीं करें, लेकिन चैट का जो आपको पास ब्लॉक आ रहा है टेक्स्ट का, वहां पे अपना नाम और स्टूडेंट आईडी रेडी रखो, जैसे ही नेम कॉल हो फौरन से उसको वहां सेंड कर दो। हैंड रेज मेथड इज गुड बट प्रॉब्लम हियर इज दैट कि मैंने एक्सेल फाइल ओपन किया, वो आप जूम में अगर हैंड रेज करोगे तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो पहले 105045 वाली जो क्लास आईडी है उसकी अटेंडेंस में ले रही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो है वो स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे सेंड करेंगे। अब्दुल वासे खान, अब्दुल वासे खान फर्स्ट सेशन में थे, अभी नहीं है बेटा। जिसका नाम कॉल करूं काइंडली वही अपना स्टूडेंट नेम और आईडी सेंड करें। हसनैन रजा, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद जैन, ओके गुड। मोहम्मद तलहा रिजवान, जिन लोगों के नाम अभी आने वाले हैं कॉल होने वाले हैं वो काइंडली अपना नेम एंड स्टूडेंट आईडी रेडी रखें, जैसे ही नेम कॉल हो फॉरन से एंटर कर दें। मोहम्मद तलहा रिजवान एब्सेंट है तलहा। अरसलान आमिर, अरसलान आमिर एब्सेंट। इफ्रा वसीम प्रेजेंट। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। मोहम्मद अनस, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा एब्सेंट। मोहम्मद रुमान और रुमन एब्सेंट। फजीन नसीर, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, हमजा अहमद वजी, सरमद अहमद। मास आपका नेम कॉल किया है मैंने,
फर्स्ट सेशन में भी आप हर थोड़ी देर बाद अटेंडेंस सेंड कर रहे थे, अब जब आपका नेम कॉल हो तब अपना नेम और आईडी सेंड करें। सरमद अहमद भी एब्सेंट है, मोहम्मद उमर, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, सैयद मोहम्मद हमजा, सैयद मोहम्मद हमजा एब्सेंट, शायान अंसारी प्रेजेंट, हामिद अहमद, हाफिज मोहम्मद उमेर, जिनीरा अर्जुमंद, माहम फारूक, अब्दुल मुइस खान, मोहम्मद दिबाज हैदर, मोहम्मद दिबाज हैदर ओके, मोहम्मद हमजा हुसैन, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, आलिया वहीद, करीम शौकत अली, मोहम्मद जकी खान, अब्दुल समद, हमजा रियाज, मोहम्मद माज, मोहम्मद माज अपनी टर्न पे सेंड नहीं कर रहे, अरीब अहमद, बसालत अली ओके, एनी वन एल्स इस आई डी में जिसका नेम कॉल नहीं हुआ? 105045 बेटा नेक्स्ट आईडी की बात कर नहीं कर रही अभी मैं, 105045 वाली आईडी की बात कर रही हूँ। ओके जो नेक्स्ट आईडी है 105456, काशान अहमद ओके, मनाहिल लगारी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद सैफुर रहमान, ऐमन फरुख, ऐमन और ऐमान, ऐमान फरुख, साहिल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हुसैन सॉरी ओके, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ? अब्दुल वासे मैंने आपका नेम कॉल किया और दूसरी आईडी में था आपका नाम। एनी हाउ क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इसी टाइम पे होगी, नेक्स्ट वेडनेसडे कोशिश करेंगे कि 8:40 पे क्लास स्टार्ट हो जाए, और थ्रू लिंक जो है कीट एलएमएससी आप क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई गेस दोबारा से मैसेज सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्लास थी इसीलिए मैसेज और ईमेल किए गए थे, और दूसरा ये कि अब नेक्स्ट टाइम इसी टाइम पे क्लास होगी वेडनेसडे को, और कीट एलएमएस के थ्रू ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगा दिए साहिल आपकी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो जो जिस सेशन में होगा उसकी तभी लगेगी। 8:40 to 11:40 ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज। मीनवाइल जो जो चीजें हमने पढ़ी है काइंडली उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च भी कर लीजिएगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, थोड़ा बहुत ओवरव्यू नेट से भी निकाल लीजिएगा, बुक से भी देख लीजिएगा, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफिज।